बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग सेकेंड ईयर से अपना नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डेफिनेशन हम आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुके हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो बुनियादी तौर पर ये जो टॉपिक है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो उसका ताल्लुक तो है ही है, लेकिन साथ साथ इसका एवोल्यूशन के साथ ताल्लुक भी है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे दुनिया के अंदर जो है वो डेवलप हुई। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एवोल्यूशन देख लेते हैं कि दुनिया में सबसे जो प्रीमिटिव, सबसे कदीम तरीन जो रिप्रोडक्शन मानी जाती है वो मानी जाती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कोई अडॉप्टिव मैथड नहीं था, क्योंकि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि इससे जो बनने वाले ऑफस्प्रिंग होते हैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह के होते हैं और दोनों ही सेम वल्नरेबल होते हैं, सेम ख़तरे में होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं आती। तो इसी वजह से ये कोई अडॉप्टिव मेथड नहीं माना जाता कि जैसे पेरेंट्स और वैसे ही बच्चे, तो उसका मतलब ये होगा कि वो दोनों ही सेम हैं और उनमें कोई बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने आप को तब्दील करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। तो वक्त गुजरता गया, लेटर स्टेजेस पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ एक न्यू मेथडोलॉजी भी इंट्रोड्यूस हो गई। वो क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबको मालूम है कि इसके अंदर फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स स्टार्ट हो गए। और जब दो गैमीट्स इसके अंदर मिलने लग गए, इसके साथ दो गैमीट्स मिलने का फ़ायदा ये हो गया कि वेरिएबिलिटी, दो डिफरेंट पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स या डीएनए मिलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से एक न्यू ऐसी जनरेशन पैदा होना शुरू हो गई जो कि पहले अपने पेरेंट्स से वेरिएशन में यानी डिफरेंट होती थी। क्योंकि गैमीट्स जो हैं, आप लोगों को पता है कि वो मियोसिस के थ्रू और मियोसिस के अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना और ये चीज़ें, तो इसमें मियोसिस एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन्वॉल्व हो गए। इसी वजह से अब जो थे ऑफस्प्रिंग्स अपने माँ बाप से थोड़े से डिफरेंट आने लग गए और वो बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करने लग गए। तो इस ने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसने प्लेड अ मेजर रोल इन वेरिएशंस। लेकिन क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन, तो शुरू के अंदर जो गैमीट्स थे वो आइसोगैमीट्स थे। आइसोगैमीट्स का मतलब ये हुआ कि जो दोनों गैमीट्स थे वो स्ट्रक्चरली जो थे वो सेम शक्ल के थे, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोगैमीट्स। जब गैमीट्स आइडेंटिकल हो, आज भी बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जैसे एलजी वगैरह के अंदर, अल्वा के अंदर, उनके अंदर दोनों ही जो गैमीट्स अगर फ्यूज़ होते हैं उनकी दोनों की स्ट्रक्चरली जो है वो सेम शक्ल के होते हैं। फिर मज़ीद वक्त गुजरा तो आइसोगैमीट से ये तो हो गया हेट्रोगैमेटिक। हेट्रोगैमेटिक में क्या हो गया कि अब दोनों गैमीट्स जो हैं वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पे आज भी आप देख लें कि आज जो स्पर्म है और एग है, दोनों की शक्लें जो हैं वो डिफरेंट हैं। स्पर्म जो है वो आज भी मोटाइल है और एग जो है वो नॉन मोटाइल है। तो इस कंडीशन को हम लोग फिर क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमेटिक। अब सिग्निफिकेंस क्या है? मैं बता चुका हूँ आपको कि सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये है कि इसमें जेनेटिक वेरिएशन आने लग गई, इसके अंदर अब जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होने लग गए वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं थे, उनके अंदर अडॉप्टेबिलिटी आना शुरू हो गई। और यही माना भी यही जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मियोसिस, ये सोर्स ऑफ एवोल्यूशन भी कहलाते हैं। फिर मज़ीद आगे चले तो दुनिया फिर बदलती गई, फिर फॉर्मेशन ऑफ सेक्सेस आ गए, मेल और फीमेल का कंसेप्ट आ गया। हालांकि आज भी दुनिया में दो तरह के जानदार पाए जाते हैं सेक्सेस के हवाले से। कुछ कहते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जानदार वो जिनमें मेल अलहदा होंगे और फीमेल अलहदा होंगी, फीमेल के पास फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे और मेल के पास जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। तो जैसे ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन जो है वो क्या है? यूनिसेक्सुअल हैं। बहुत से एनिमल्स भी यूनिसेक्सुअल हैं। बाईसेक्सुअल भी आज पाए जाते हैं, जो कि थोड़ा कदीम माना जाता है कि बाईसेक्सुअलिटी जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म में दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। जैसे आज भी बहुत से अर्थवर्म हैं जो कि टेपवर्म हैं, जो कि बाईसेक्सुअल हैं। इसी वजह से इनको हरमेफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो ये आप लोगों का एमसीक्यू होगा कि इनको हरमेफ्रोडाइट यानी बाईसेक्सुअल, हैविंग बोथ सेक्सेस ऑन द सेम इंडिविजुअल।
आज भी बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें बाईसेक्सुअलिटी पाई जाती है। प्लांट्स में आप मोस्टली फ्लावर्स को देख लें, उसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होता है। एग्जाम्पल अर्थवर्म एंड टेपवर्म। फिर उसके बाद आ गया प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे बाईसेक्सुअलिटी यानी हर्मेफ्रोडाइट होने के बावजूद अर्थवर्म और टेपवर्म जो है ये इंश्योर करते हैं, इनकी कोशिश ये होती है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई जाए, यानी अगर एक का स्पर्म है तो दूसरे जानवर का एग हो। मैंने वो बताया उसकी वजह, हालांकि ये चाहें तो अपना ही स्पर्म अपने ही एग से जो है वो फ्यूज करवा सकते हैं, लेकिन उससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आएगी। तो इससे ये होता है कि अभी भी ये इंश्योर करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन को ताकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी आए। फिर आ गया प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन कहते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, दो गैमीट्स के आपस में मिलने को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के हवाले से भी दुनिया ने बहुत तब्दीली इसमें आई देखी। इसमें दो तरह की टाइप्स देखी गई, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो थी कि गैमीट्स का मिलना बॉडी के बाहर, ठीक है, जो कि एक अच्छा तरीकेकार नहीं माना जाता। उसकी वजह कि एक फर्टिलाइजेशन हो गई, जायगोट बन गया, तो वहाँ पे उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो मुकम्मल तौर पे इक्वली वल्नरेबल है, खतरे में है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बाद में आई, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही थी, बॉडी के अंदर और ख़ास तौर पे फीमेल की बॉडी के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको हिफाजत मिल सके दुश्मनों से, एनवायरमेंटल कंडीशन से बचत मिल सके। तो वो इनसाइड द बॉडी, तो एक आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनसाइड द बॉडी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ये पाई जाती है, आज भी पाई जाती है एक्वाटिक एनवायरनमेंट में। इसके लिए पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इसमें क्या होता है कि एग जो है वो पानी में ही जो है वो दे दिया जाता है, और स्पर्म भी वाटर में ही, और वो वाटर में ही इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है। जैसे आज भी बहुत से फिश हैं, एम्फीबियंस हैं, वो उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा कोई एडवांस मेथडोलॉजी नहीं मानी जाती। फिर आ जाती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस विद इन द बॉडी स्पेशली फीमेल के अंदर, और इसके अंदर स्पर्म्स इज लॉज्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी। इसमें फीमेल बॉडी के अंदर जो है वो स्पर्म दे दिए जाते हैं और उसी के साथ एग के साथ जाके फ्यूज होता है। और कम से कम इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि इसमें प्रोटेक्शन है, जो जाइगोट है वो विद इन द फीमेल बॉडी मौजूद होता है, उसकी हिफाजत होती है, दुश्मनों से बचता है, एनवायरमेंटल कंडीशन से वो बचता है, तो ज़्यादा मोर प्रोटेक्शन। फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन के हवाले से आगे फिर तीन इकसाम के जानवर हम देखते हैं। एक को आप कहते हैं ओवी पैरस, एक को कहते हैं वीवी पैरस, और एक को कहते हैं ओवो वीवी पैरस। ओवी पैरस के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल ही होगी क्योंकि इंटरनल की ही किस्म है ये, लेकिन फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जायगोट हो जाती है, उसके बाद वो जो एग होता है फर्टिलाइज एग, उसको शेल के अंदर रख के उसको बॉडी से बाहर जो है वो ले कर दिया जाता है। बाकी जो डेवलपमेंट होती है वो शेल के अंदर ही होती है, और शेल के अंदर ही वो डेवलप, यानी फर्टिलाइजेशन इंटरनल, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल होगी। तो ये भी एक बेहतर तरीका है, लेकिन बहुत अच्छा तरीकेकार नहीं है। बेशक फर्टिलाइजेशन हो गई, लेकिन एग तो अब बॉडी से बाहर आ गया ना, तो वो तो अभी दुश्मनों में घिरा हुआ है, किसी टाइम भी खतरे में हो सकता है। हालांकि उस शेल के ऊपर प्रोटेक्शन की कवरिंग भी होती है ताकि उसमें से वाटर लॉस को बचाया जा सके, लेकिन फिर भी वो क्योंकि फीमेल की बॉडी से बाहर चला गया तो वो इतनी प्रोटेक्शन तो नहीं है उसके अंदर। तो बहुत से जो परिंदे हैं हमारे वो क्या हैं, ओवी पैरस हैं, तो उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है लेकिन डेवलपमेंट जो है वो बॉडी से बाहर होती है। फिर आ जाते हैं वीवी पैरस। वीवी पैरस ज़्यादा अच्छे हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर डेवलप फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर, और जो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म है वो बनता भी फीमेल की बॉडी के अंदर है, और जब वो मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर्ड हो जाता है तो उसी टाइम उसको बर्थ यानी लाइफ बर्थ उसकी की जाती है, तो ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली इसके अंदर उसको। तो लिहाजा इसके अंदर जो एग्जांपल आपने देनी है वो ह्यूमन की देनी है, ह्यूमन के अंदर यही एग्जांपल चलेगी। कुछ जानवर होते हैं ओवो वीवी पैरस। ओवो वीवी पैरस जो हैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी इनमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होगी, डेवलपमेंट भी इंटरनल होगी। बस इसमें यह देख लें कि डेवलपमेंट क्या होगी, वो जो शेल के अंदर होगी, लेकिन शेल में ही वो बॉडी में ही रहेगा, शेल वाला जो अंडा है वो बॉडी में ही रहेगा, बॉडी से बाहर नहीं आएगा जब तक
पूरे का पूरा अंदर जानवर जो है मुकम्मल तौर पे बन ना जाए, फिर वो शेल्ड एग जब वो जानवर बन जाता है उस अंडे की हैचिंग का टाइम आ जाता है, फिर उस अंडे को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उसको ले किया जाता है, और बॉडी के बाहर आते साथ ही वो अंडा जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसकी हैचिंग हो जाएगी और उसमें से जानवर निकलेगा। तो लिहाजा इसकी पेपर में भी एग्जांपल्स आ जाती हैं अक्सर, एमसीक्यू में आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल, स्पाइनी एंट ईटर है और डक बिल प्लेटिपस है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर ओवो वीवी पैरस के अंदर एग्जांपल देनी है कि जो शेल्ड एग में होती है डेवलपमेंट भी इनसाइड, और जब वो मुकम्मल बन जाता है तब शेल को दिया जाता है। इसके अंदर क्या था, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गई थी, बाकी डेवलपमेंट शेल में ही हुई थी लेकिन बॉडी के बाहर हुई थी, उसमें भी शेल में ही हो रही है लेकिन डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही हो रही है। इसी वजह से एक और एमसीक्यू बनता है आप लोगों का कि ये जो दो हैं वीवी पैरस और ओवो वीवी पैरस, क्योंकि दोनों में फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल हो रही है और डेवलपमेंट भी कंप्लीट बॉडी के अंदर हो रही है, तभी जानवर को बॉडी से बाहर निकालना जाता है जब मुकम्मल तौर पे उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए इन तीनों में से ज़्यादा प्रोटेक्शन किसको मिलती है, तो आप बताएंगे वीवी पैरस और ओवो वीवी पैरस के अंदर। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।